हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रोशिया से कान्हा जी की ये फ्लावर शेप ड्रेस बनाएंगे। ये 2 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। इसमें मैंने ऐसे येलो पत्तियां बनाई है और बाहर मैंने इसके ग्रीन पत्तियां बनाई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए चोली मैंने पहले से बना के रखी है। ये 2 नंबर और 3 नंबर कान्हा जी की चोली की वीडियो मैंने पहले बना के डाली है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम घेरा बनाना शुरू करते हैं। तो घेरा बनाने के लिए सबसे पहले हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया की इसके बाद एक रो बनाएंगे। चोली बनाने के बाद हम हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। एक दो दो मैंने हाफ डबल क्रोशिया की हाइट के लिए 2 मैंने चेन ली। 2 चेन लेकर यहीं पर इसी जगह पर मैंने ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाया। हाफ डबल क्रोशिया हम ऐसे बनाते हैं, ये धागा लिया, चेन में हमने ऐसे क्रोशिया हुक डाला, ये 3 हो गए, तीनों को इकट्ठा निकाल दिया, तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह हमने हाफ डबल क्रोशिया की रो बनानी है। और हमने एक चेन में हमने 2 बार बनाना है, एक चेन में हमने 1 बार बनाना है। ये मेरे पास 20 थे, चोली के एंड में मेरे पास 20 स्टिचेस थे, तो ये 30 हो जाएंगे। फर्स्ट चेन में मैंने 2 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में मैंने 1 बार बनाया, फिर जो नेक्स्ट चेन है इसमें मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। घेरे के लिए हमने 10 स्टिचेस इसमें इंक्रीज किए हैं। यहाँ पर 2 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में हम 1 बार बनाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड के एंड में यहां पर आकर हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। चोली के एंड में मेरे पास 20 स्टिचेस थे और यहां पर मेरे पास 30 हो गए। हमने एक चेन छोड़ के एक में बढ़ाया है। फिर यहां पर हम 10 बनाएंगे चेन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हम 3 बनाएंगे चेन, 1, 2, 3, 3 चेन बना के इसे मैंने टर्न कर देना है इस तरह से। फिर हम यहां पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, यहां पर हमने 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 2, 3, 4, ये मैंने इस यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमने 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर फिर यहाँ पर भी हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, दस डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने पहले हमने यहां पर डाला था, अब हम एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में हम इसे ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया से इसे ऐसे ज्वाइन करना है। तो ऐसे जो पत्ती बन गई हमारी, फिर हमने 1, 2, 3, 4, 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेकर यहां से हम गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिक्स्थ में मैंने यहां पर क्रोशिया हुक डाल के इसे इस तरह से निकाल लेना है। यहां से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 में मैंने इसे ज्वाइन किया है। फिर हम लेंगे 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन लेकर इसी जगह जहां पर हमने, ये देखिए, यहीं पर हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये फिर लूप बन गया, जिसमें हम फिर से दोबारा पत्ती बनाएंगे। फिर हम इसे टर्न करेंगे। पहले हम 3 चेन ले लेंगे, 1, 2, 3, फिर हम इसे ऐसे घुमाएंगे। घुमाकर हम फिर यहां पर, पहले हम यहां बनाएंगे, यहां पर फिर से हमने 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, 10 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर हम इसे इस तरह से घुमा लेंगे। ये जो हमने बनाया है ये इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा।
10 बार हम दूसरे लूप में बनाएंगे, एक दो, इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये इस तरह से पत्ती इस तरह से इसके ऊपर आएगी। फिर हमने यहां पे पहले बनाया था, अब हम ये चेन एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में इसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, इसे ऐसे टर्न करेंगे, तीन चेन लें, तीन नहीं यहां पर हम चार चेन लेंगे, चार चेन लेंगे यहां पर हम इसे ज्वाइन करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, सिक्स्थ में हम इसे इस तरह से ये लूप बनाएंगे पहले। फिर हम पांच लेंगे, एक दो तीन चार और पांच, पांच लेकर हम फिर से इसी जगह पर सेम प्लेस में यहां पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो ऐसे ये डबल लूप बन गया। फिर हम कर एक दो तीन, तीन चेन लेकर हम इसे टर्न करेंगे और ये जो दो लूप है हमारे, एक ये है एक ये है, पहले हम इसमें बनाएंगे, पहले हम इसमें 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसी तरह यहां पर पहले 10 में 10 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर हम बीच में दो चेन लेंगे जैसे यहां पर ली है, फिर इधर 10 बार दूसरी लूप में बनाएंगे, तो इसी तरह ये पत्ती के ऊपर पत्ती आती जाएगी। ये सारी पत्तियां मैंने बना ली है, इसी तरह लास्ट में आकर हम, ये लास्ट पत्ती है मेरी, 30 मेरे पास हाफ डबल क्रोशिए थे जब हमने इंक्रीज किए थे, तो ये मेरी 15 इससे पत्तियां बन गई, एक हमने छोड़ के स्टिच फिर हमने पत्ती बनाई है, वहां पर हमने ज्वाइन जब किया है तो एक छोड़ के, जैसे यहां पर हमने एक छोड़ के चेन ज्वाइन किया है, तो ये 15 पत्तियां बन जाएंगी। यहां पर अब हम राउंड ज्वाइन करेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच मैंने 15th पत्ती में मैंने 5 बार डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद यहां पर हमने इसे ज्वाइन करना है, जो हमारी ये पैटल है फर्स्ट, यहां पर ऐसे स्लिप स्टिच बना दिया मैंने इसके साथ। फिर हमने ये 5 बनाए थे डबल क्रोशिया यहां पर, तो 5 हम बाकी के डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहां पर मैंने इसे ज्वाइन करना है, यहां पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक बार ऐसे चेन बना के ऐसे हमने धागा काट दिया यहां पर, तो इस तरह से ये हमारी लास्ट 15th पैटर्न पैटर्न आई पत्ती, और इसके साथ ये ज्वाइन हो गई। अब हम ग्रीन कलर लगाएंगे, ग्रीन कलर से इसके आसपास पत्तियां बनाएंगे। पहले हम ग्रीन कलर के धागे से ऐसे नॉट बना लेंगे, यहां पे हमारा ये खत्म हुआ है धागा, वहीं पर हमने शुरू करना है। ये देखिए ये पत्ती ऐसे है हमारी, इसको हमने यहां पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है, यहां पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हम एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ हमने चेन बनाई, आठ चेन बनाकर मैंने यहां पर इसे यहां से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे यहां पर, तीन चेन बनाकर ये मेरी जो पत्ती है इसके एक दो तीन चार फोर्थ में हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, ऐसे
फिर हम 1 2 3 तीन चेन लेंगे और यहाँ पर हम इसे फिर जो हमारी ये नेक्स्ट पत्ती है यहाँ पर इस तरह से देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा ऐसे लूप आया, उसके बाद तीन, फिर हम ये तीन, फिर हमने वो लूप बनाना है 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 बनाने के बाद फिर इसी जगह पर हमने इसे ज्वाइन करना है, यहाँ पर ऐसे क्रोशिया हुक डाल के फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से लूप बन जाएगा। फिर 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 3 4, फोर्थ में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3, यहाँ पर हम इसे यहाँ पर बीच में, यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन किया है। फिर एक, ये 2 बार हमारा बन गया, ये 3 की चेन, ये 3 की चेन, फिर इसके बाद फिर 8 की चेन बनेगी 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर इसी जगह पर मैं इसे फिर से ज्वाइन करूंगी। तो ये इस तरह से लूप्स आएंगे हमारे, ये एक, इसके बाद फिर ये 2 बार ऐसे आएगा, फिर लूप, फिर 2 बार ऐसे आएगा। इसी तरह आप ये राउंड बना ले, ये पूरा राउंड बन गया है मेरा, ये देखिए ये लूप, उसके बाद ये 2 बार ऐसे आएगा, फिर ये बड़ा लूप आएगा और एंड में आकर यहां पर आकर मैंने फिर से इसे ज्वाइन नहीं किया, ये इतनी यहाँ पे छोड़ दी। यहां पर अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है, सीधा यहां से लेके यहां पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। 8 बार यहां पर मैंने डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2, 8 बार यहां पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 8 बार मैंने डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद हम 2 चेन डाल लेंगे। 2 चेन लेकर हमने यहां पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हम इस तरफ भी 8 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3, ये 8 बार मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। 8 बार डबल क्रोशिया बनाने से ऐसे ये पत्ती बन जाती है, बीच में जो हमने 2 चेन ली है उससे ये ऐसे पत्ती बन जाएगी हमारी। यहां पर ये 1 और ये 2, यहां बीच में हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहां पर हम इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के, यहां पर हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट लूप में हम क्रोशिया हुक डाल के फिर से 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम बीच में 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर हमने इसे यहां पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हम इस तरफ भी 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहां पर हम इसे ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर उसी तरह नेक्स्ट लूप में यहां पर फिर से हम 10 बार ऐसे डबल क्रोशिया, 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारी पत्तियां बनती जाएंगी। तो आप ये सारा राउंड इसी तरह कंप्लीट कर ले। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है, यहां पर आकर हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये एंड में ये 8 मैंने बनाए हैं, 8 बनाने के बाद यहां पर हम इसे ऐसे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देंगे, एक बार चेन बनाएंगे और यहां पर धागा काट देंगे। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बन के तैयार है। और इसकी मैंने ये किनारी, चोली की मैंने किनारी भी बना दी है, और ये किनारी मैंने अपनी पहले वीडियोस में बनानी सिखाई हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं।
आशा करती हूँ कान्हा जी की ये फ्लावर शेप ड्रेस आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।